इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख दूंगा, जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकें और आपका उच्चारण अच्छा हो, और साथ में इसकी वर्ड मीनिंग भी लिखता हुआ चलूंगा, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। देयर इज अ टैप, देयर इज अ टैप, एक नल है। इज का मतलब है, अ टैप का मतलब एक नल, टैप का मतलब होता है नल। देयर की यहां कोई खास मीनिंग नहीं है। ऑन द साइड ऑफ द रोड, ऑन द साइड, किनारे पर, ऑन का मतलब है पर, साइड का मतलब होता है किनारा, किनारे पर, ऑफ द रोड, सड़क के, ऑफ का मतलब है का, रोड का मतलब सड़क, सड़क के किनारे पर एक नल है। वॉटर केम लेट टूडे, वॉटर केम, पानी आया, केम का मतलब है आया, वाटर का मतलब है पानी। लेट देरी से, लेट का मतलब है देरी से, टुडे आज, आज पानी देरी से आया। ध्यान दीजिएगा, केम कम का सेकेंड फॉर्म है, कम का मतलब होता है आना और केम है तो आया, ये कम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मेनी पीपल, मेनी पीपल, बहुत से लोग, मेनी का मतलब है बहुत से, पीपल का मतलब लोग, वर वेटिंग, वर वेटिंग फॉर, इंतजार कर रहे थे, वर का मतलब होता है थे, वेटिंग फॉर का मतलब इंतजार करना, इंतजार कर रहे, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, वेटिंग फॉर है तो इंतजार कर रहे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। द वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति की, वाटर का मतलब पानी, सप्लाई का मतलब आपूर्ति। विथ बकेट्स एंड पिचर्स, विथ बकेट एंड पिचर्स, बाल्टियों और घड़ों के साथ, विथ का मतलब है साथ, बकेट्स का मतलब है बाल्टियां, पिचर्स का मतलब घड़े। बहुत से लोग पानी की आपूर्ति का इंतजार कर रहे थे बाल्टियां और घड़ों के साथ। देयर वॉज ऑल्सो एंड ओल्ड वुमेन, देयर वॉज ऑल्सो एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत भी थी, वॉज का मतलब होगा थी, ऑल्सो का मतलब भी, एंड ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी, वुमेन का मतलब औरत। शी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग का मतलब होगा खड़ी हुई, वॉज का मतलब थी, शी का मतलब वह, विथ हर बकेट, अपनी बाल्टी के साथ, बकेट का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया बाल्टी, हर मतलब अपने, विथ का मतलब साथ।
एज सून एज द वॉटर केम, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का मतलब होगा जैसे ही, जैसे ही द वॉटर केम, पानी आया, पीपल स्टैंडिंग नियर बाई, पीपल स्टैंडिंग नियर बाई, पास के खड़े लोग, नियर बाई का मतलब है पास के, स्टैंडिंग का मतलब खड़े, पीपल का मतलब लोग, पास के खड़े लोग रश दौड़ने लगे, रश का मतलब होगा धक्का मुक्की करके दौड़ना या फिर किसी इमरजेंसी में दौड़ने को रश कहते हैं, तो हम यहां कहेंगे कि धक्का मारते हुए आगे बढ़ना, पास में खड़े लोग धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगे, एंड और स्टार्टेड और शुरू कर दिया, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड है तो शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, फिलिंग देयर ओन वेसल्स, फिलिंग भरना, फिल का मतलब होता है भरना, फिलिंग का भी मतलब यहां पर होगा भरना, देयर ओन वेसल्स, अपने बर्तनों को, देयर का मतलब होगा अपने, देयर और ओन का दोनों का मतलब होगा अपने, वेसल्स का मतलब बर्तन, अपने बर्तनों को भरना शुरू कर दिया, सम पीपल हैड, सम पीपल हैड, कुछ लोगों के पास था, सम का मतलब है कुछ, पीपल का मतलब लोग, हैड का मतलब के पास था, के पास था, सेवरल पिचर्स एंड बकेट्स, सेवरल कई, सेवरल का मतलब होगा कई, पिचर्स घड़े, एंड और बकेट्स बाल्टियां, कुछ लोगों के पास कई घड़े और बाल्टियां थीं, इट टूक अ लॉन्ग टाइम, इट टूक इसमें लगने लगा अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय, अ लॉन्ग टाइम का मतलब होगा ज्यादा समय या फिर लंबा समय, ज्यादा समय, टू फिल देम, उन्हें भरने में, उन्हें भरने में ज्यादा समय लगने लगा, विथ वॉटर, विथ वॉटर पानी से, उसमें पानी भरने में ज्यादा समय लगने लगा, द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन वो बूढ़ी औरत, वुड ट्राई टू रीच, वुड ट्राई टू रीच पहुंचने की कोशिश करती, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना, रीच का मतलब पहुंचना, द टैप नल तक, टैप का मतलब नल, वो बूढ़ी औरत नल तक पहुंचने की कोशिश करती, बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन पीछे छोड़ दी जाती, वुड बी लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है पीछे छोड़ दी जाती, पीछे छोड़ दी जाती, लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, बिहाइंड का मतलब पीछे, इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई थी, टू का मतलब यहां पर होगा बहुत, लेट का मतलब देर, वॉज का मतलब होगा थी या फिर हो गई थी, फॉर हर उसे, फॉर हर का मतलब होगा उसे, उसे बहुत देर हो गई थी, टू स्टैंड अप खड़े होते होते, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना, शी लुक्ड वेरी वरीड, शी
लुक्ड वो दिखने लगी या फिर नजर आने लगी। हम यहाँ कहेंगे लुक्ड को नजर आने लगी, नजर आने लगी। वेरी वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित। वेरी का मतलब है बहुत, वरीड का मतलब चिंतित। व्हेन गुड्डू फिल्ड हिज बकेट, व्हेन गुड्डू फिल्ड, जब गुड्डू ने भर लिया। व्हेन का मतलब है जब, गुड्डू नाम है, फील्ड का मतलब है भर लिया। हिज बकेट, अपनी बाल्टी, विथ वाटर पानी से, एंड और मूव्ड अवे और आगे बढ़ा। मूव अवे का मतलब होगा आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ा। फ्रॉम द टैप, नल से। फ्रॉम का मतलब है से, टैप का मतलब नल। ही सॉ द ओल्ड वुमेन, ही सॉ उसने देखा, सॉ का मतलब है देखा। द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत को, उसने बूढ़ी औरत को देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ही वेंट अहेड, ही वेंट अहेड, वह आगे बढ़ा या फिर वो आगे गया। वेंट का मतलब होगा गया, अहेड का मतलब होता है आगे, ही का मतलब वह। एंड और पोर्ड, और उड़ेल दिया, पोर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, उसने उड़ेल दिया। द वॉटर, वो पानी, फ्रॉम हिज बकेट, अपनी बाल्टी का, इनटू हर्स, उसकी बाल्टी में। हर्ष का मतलब होगा उसके बाल्टी में, इनटू का मतलब में। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी बाल्टी का पानी उसकी बाल्टी में डाल दिया या फिर उड़ेल दिया। द ओल्ड वुमन वॉज हैप्पी, द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत, वॉज हैप्पी, खुश हो गई। हैप्पी का मतलब होता है खुश। शी प्रेड फॉर गुड्डू, शी प्रेड फॉर गुड्डू, उसने गुड्डू को दुआएं दी। प्रे फॉर का मतलब होता है दुआ देना, दुआ देना। एंड और वेंट होम, और घर चली गई। होम का मतलब है घर, वेंट का मतलब चली गई। विथ हर फुल बकेट, अपनी भरी बाल्टी के साथ। फुल का मतलब यहां पर होगा भरी, बकेट का मतलब बाल्टी। एवरी वन फेल्ट अशेम्ड, एवरी वन, सभी ने। एवरी वन का मतलब है सभी ने। फेल्ट, महसूस किया। फेल्ट का मतलब है महसूस किया, महसूस किया। फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है, फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। फेल्ट है तो महसूस किया। अशेम्ड, शर्मिंदा या फिर शर्मिंदगी। अशेम्ड का मतलब होगा शर्मिंदगी। सभी ने शर्मिंदगी महसूस की। बट, लेकिन, प्रेज्ड, लेकिन तारीफ की। प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। प्रेज्ड है तो तारीफ की। गुड्डू, गुड्डू की फॉर हिज ह्यूमेन एक्ट, इस मानवीय कार्य के लिए। फॉर का मतलब है के लिए, के लिए। हिज का मतलब उसके, ह्यूमेन का मतलब होगा मानवीय, एक्ट का मतलब कार्य। ध्यान दीजिएगा, एक होता है ह्यूमन, H U M A N, ह्यूमन का मतलब होता है मानव,
ठीक, और ये है ह्यूमेन, इसमें ई लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है मानवीय। लेकिन सभी ने गुड्डू के इस मानवीय कार्य की प्रशंसा की या फिर तारीफ की। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।